डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉड ड्राइवर पायम, जो लेसन नंबर 14 है, रिटन बाय पद्मा सचदेव। द पायम इज अबाउट द लव ए मदर हैज़ टू हर चिल्ड्रन। इट्स एन एरिक एटमोसफियर दैट क्रिएट्स फियर एंड ड्रीड। इट्स ए टसल बिटवीन द लव मदर हैज़ फॉर हर ओन सेल्फ एंड द लव शी हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, ये एक माँ अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती है उसके मुतल्लिक है। इट्स एन एरिक एटमॉस्फेयर, इस माँ को एक भयानक माहौल का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष करती है इस माहौल से निकलने के लिए और अपने बच्चों के पास पहुँचने के लिए। इन द फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट आई हियर The sound of paws of a careful bulbul out in the night shaking the feathers of his head to find food for his four little ones hungry in the nest. Mooing slowly appeared, its ears pricked to pick some sound somewhere. In the fearful silence of the forest I hear. Ek sanata tha jangal mein aur maine suna द साउंड ऑफ पाज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल। साउंड ऑफ पाज, चलने की आवाज़ ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, उस बुलबुल के, उस जानवर के जो आस्ता आस्ता अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था। समझो कि एक अंधेरे में एक बुलबुल के कदमों की आहट सुनाई देती थी। आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर्स ऑफ हिज हेड, इसने अपने सर को छुपाया था अपने इन जो इसके पर थे उसमें, टू फाइंड फूड फॉर हिज फोर लिटल वन्स, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे चार बच्चों के लिए जो उसके घोंसले में थे उनके लिए खाना ढूंढ रही थी। हंग्री इन द नेस्ट, जो घोंसले में भूखे थे। मूविंग स्लोली अफियर्ड, इट्स ईयर्स प्रिकड टू पिक, आस्ता आस्ता इधर उधर घूम रही है। जैसे कि बच्चे, आप जानते हो कि ये जिस वक्त ये परिंदे दाना चुन रहे होते हैं, ये किस तरह एक नज़र ऊपर को देखते हैं और एक दाना चुनते हैं। सम साउंड समवेयर, कुछ आवाज़ें इसको इधर उधर से आने लगी। विद अ ग्रैन इंस्टेंट बीक इट हेस्टन टू द नेस्ट, इसकी चोंच में दाने थे खाने के। इट हेस्टन टू द नेस्ट, ये अपने इस घोंसले की तरफ तेजी से जा रही थी। इट्स ट्विंटिंग फ्लीडिंग डू नॉट नो, ये नहीं जानती थी। बुलबुल ये दाने चुनती थी और बार बार इधर उधर ऊपर की तरफ देखती थी। द फॉरेस्ट इन द थ्रोन्स ऑफ फियर दे कंटिन्यू क्रिपलिंग, द बुलबुल ट्रेम्बल्स मूव विद हिज हेड रेज्ड अलर्ट ऑल ईयर्स। ये जो बुलबुल थी, ये जो दाने चुन रही थी और बार बार अपना सर ऊपर उठाती थी क्योंकि उसको आवाज कोई आ रही थी। मूव विद हिज हेड रेज्ड, ये बार बार इधर उधर घूमती थी और अपना सर बार बार ऊपर उठाती थी। अलर्ट ऑल ईयर्स, क्योंकि इसने अपने कान खड़े रखे थे जैसे ये परिंदे रखते हैं। सडनली देयर इज अ साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक उसके कानों में पहियों की आवाज आ गई। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, वो जो पहिए चल रहे थे, उस टांगे के पहिए जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, इस पोएम का नाम ही कार ड्राइवर है। अचानक इसको आवाज आ रही है क्रैकलिंग, ये जिस जो पत्तों के ऊपर से चल रहा था ये टांगा, ये पत्ते टूटने की आवाजें इसको आ रही थी। द साउंड रेजिंग एंड सबसाइडिंग, द बुलबुल हाइड्स इटसेल्फ इन द बुशेस, जितनी ये आवाज इसको ज्यादा से ज्यादा सुनाई दे रही थी इतना ही ये बुलबुल भागती हुई इसने अपने आप को झाड़ियों में छुपाया। इट सीज ए ब्लॉकॉट लेडन विद गुड्स, इसने देखा एक टांगा आ रहा है, एक ये आ रही बैलगाड़ी आ रही है जो कुछ सामान लेके जा रही थी। ब्लॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स हेड्स डाउन, इसने देखा ये जो टांगा था ये अपने आप ही चल रहा था।
द ड्राइवर एस्लीप स्नोरिंग, इसका जो टांगा चलाने वाला था वो सोया हुआ था, वो खराटे मार रहा था। आईज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, इसके सर पे जो टोपी थी, जो पगड़ी थी, वो उसने अपने आंखों पर उतारी थी। व्हाट इफ द कार्ट स्टम्बल्स, द कार्ट ड्राइवर्स हुक ओवर टर्न्स, द फॉरेस्ट कैचेस फायर, इट इमेजिनेस द फॉरेस्ट ऑन फायर, wishes to run towards its nest to save its young ones but cannot lift its legs out of fear. इसने what if the car stumbles, ये सोच रही है अपनी जगह कि अगर ये टांगा गिर गया, अगर ये टांगा गिर गया, the car drivers hook over turns, ये जो ये इसको मन में ख्याल आ रहा था कि ये जो कार ड्राइवर है, ये जो टांगा चलाने वाला है, इसके पास जो हुका है, ये गिर जाएगा, द फॉरेस्ट कैच फायर, जंगल में आग लग जाएगी, इट इमेजिनस द फॉरेस्ट ऑन फायर, ये जैसे सोचने लगी, ये ख्याल करने लगी अगर इस जंगल में आग लग गई, विशेष टू रन टूवर्ड्स दिस नेस्ट, ये ज्यादा से ज्यादा दौड़ने लगी अपने इस घोंसले की तरफ जहां इसके बच्चे भूखे पड़े थे, टू सेव इट्स यंग वंस, अपने बच्चों को बचाने के लिए, बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, लेकिन इसकी टांगे नहीं चल रही थी आगे की तरफ, इसकी टांगे जा ही नहीं रही थी क्योंकि इसको डर था मन में, डर के मारे वो अपने पाँव नहीं उठा पाती और न ही वो उड़ पाती थी। कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला बच्चे कि ये पोएम जो है इट्स अबाउट द लव ए मदर हैज टू हर चिल्ड्रन, ये जो नज़म है ये एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, उस फिक्रे को, उस प्यार को ये पोएम जाहिर करती है। थैंक यू।